Hey guys, welcome back again to our channel Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का काउंटडाउन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें. नंबर 1. सलमान खान के मुंबई में घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 14 अप्रैल को फायरिंग हुई थी. इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं सलमान खान के घर पर फायरिंग होने के बाद ये मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है. इस मामले को लेकर अक्सर कोई ना कोई अपडेट सामने आता ही रहता है. अब ऐसे में सलमान खान के घर फायरिंग को लेकर अब मुंबई पुलिस ने नया मामला दर्ज किया है. पुलिस ने राजस्थान से एक शख्स को हिरासत में लिया है. इस शख्स की पहचान राजस्थान के बूंदी के रहने वाले बनवारी लाल लटूर लाल गुर्जर के रूप में हुई है. मुंबई पुलिस ने रविवार को ये जानकारी शेयर की है. नंबर 2. सलमान खान अब शाहरुख के बाद साउथ डायरेक्टर अटली के साथ फिल्म करने वाले हैं. खबर आ रही है कि साउथ डायरेक्टर अटली नए आइडिया के साथ सलमान खान के पास पहुंचे. रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान को ये आइडिया भी पसंद आया. सन पिक्चर्स इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने को भी तैयार हो गया है. इस फिल्म की स्क्रिप्ट अभी फाइनल नहीं हुई है. बताया जा रहा है कि अटली फिल्म की राइटिंग पर काम कर रहे हैं और जल्दी ही स्क्रिप्टिंग को लॉक कर लिया जाएगा. उनका प्लान है कि साल 2025 के शुरुआती महीनों में इस फिल्म को फ्लोर पर ले जाया जाए. नंबर 3. कल की 2898 AD को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है. इस साइंस फिक्शन फिल्म का पहला ट्रेलर आ चुका है और फैंस ने इसका जोरदार वेलकम भी किया था. अब जल्दी ही मेकर्स फिल्म के दूसरे ट्रेलर को लेकर भी अनाउंसमेंट करने वाले हैं. लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो फिल्म का ट्रेलर 23 जून 2024 को आउट किया जा सकता है. इस ट्रेलर की लेंथ भी पिछले ट्रेलर जैसी ही होगी और कुछ सीन्स भी सेम ही होंगे. इसके अलावा दूसरे ट्रेलर में कई नए सीन्स भी देखने को मिलेंगे जो फिल्म को लेकर फैंस का रोमांच लेवल और भी हाई कर देंगे. नंबर 4. अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम फ्रेंचाइजी की वेलकम टू द जंगल को थिएटर में देखने के लिए अभी फैंस को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. फ्लैश के अलावा जिस वजह से इस फिल्म को टाला जा रहा है वो है इसका पेंडिंग काम. इतनी बड़ी कास्टिंग होने की वजह से एक्टर्स की डेट्स में बहुत ज्यादा क्लैश हो रहा है जिसकी वजह से भी पिक्चर पूरी नहीं की जा रही है. बताया जा रहा है कि ये बस शुरुआती शेड्यूल ही था जो पूरा हुआ है. इसके अलावा इसमें बहुत से VFX के काम बचे हुए हैं. खबर है कि ये फिल्म अगले साल ही रिलीज होगी. नंबर 5. आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर को लेकर अपडेट आ रही है. बताया जा रहा है कि आमिर खान ने सितारे जमीन पर की शूटिंग पूरी कर दी है. ऐसे में उनकी फिल्म की रिलीज डेट को लेकर तय माना जा रहा है कि वो इसे इस साल क्रिसमस पर ही रिलीज करने वाले हैं. नंबर 6. सलमान खान की फिल्म सिकंदर जब से अनाउंस हुई है तब से चर्चा में बनी हुई है. ये फिल्म साल 2025 पर रिलीज होगी. अब म्यूजिक डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला ने अपने इंस्टाग्राम से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो सलमान खान से नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर में सलमान खान दाढ़ी वाले लुक में नजर आ रहे हैं. सलमान खान की इस तस्वीर को लेकर कहा जा रहा है कि वो फिल्म सिकंदर में दाढ़ी वाले लुक में नजर आ सकते हैं. नंबर 7. शाहरुख खान को उनके एक पुराने टीचर ने याद किया है. उनकी तबीयत बिगड़ गई है और वो अपने अंतिम समय में शाहरुख खान को देखना चाहते हैं. टीचर के छोटे भाई ने सोशल मीडिया के जरिए शाहरुख खान से ये गुहार लगाई है कि वो एक बार उन्हें देख जाएं और उनकी खैरियत ले लें. उन्होंने अपने इस पोस्ट में शाहरुख खान और शशि थरूर को भी टैग किया है. फिलहाल इस पर अभी सुपरस्टार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है. नंबर 8. अल्लू अर्जुन और अटली की फिल्म का डब्बा बंद हो गया है. जी हाँ, जवान के बाद अटली अल्लू अर्जुन के साथ एक बड़े स्केल की एक्शन फिल्म बनाने वाले थे. मीडिया में खबरें आती रहीं कि दोनों इस फिल्म को लेकर मीटिंग कर रहे हैं. पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन इसी फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे, लेकिन फिर बताया गया कि ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही बंद हो गया है. तेलुगु 360 नाम की वेबसाइट के मुताबिक अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म के लिए 80 करोड़ रुपए की फीस मांगी थी. इसे गीता आर्ट्स के बैनर तले बनाया जाना था. पहले से ही फिल्म का बजट काफी ज्यादा था. ऐसे में मेकर्स अटली को इतनी भारी भरकम फीस नहीं दे सकते थे. नंबर 9. कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन के 3 दिनों का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सामने आ गया है. जी हाँ, कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन ने पहले दिन 4.75 करोड़ रुपए कमाए थे. फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन तो ज्यादा था, लेकिन पहले दिन ही फिल्म को झटका लगा था. इसके बाद दूसरे दिन फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिला. दूसरे दिन फिल्म ने 7 करोड़ रुपए बटोरे और तीसरे दिन तो फिल्म ने कमाल ही कर दिया.
फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन 11.1 करोड़ रुपीस कमा लिए। इस लिहाज से चंदू चैंपियन का तीन दिनों का टोटल कलेक्शन 22.85 करोड़ रुपए हो चुका है। हालांकि फिल्म को लेकर के उम्मीद है कि वीक डेज पे भी अच्छी कमाई करेगी। नंबर 10, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 साल 2024 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट में अब बताया जा रहा है कि फिल्म पुष्पा 2 15 अगस्त को ना रिलीज होकर आगे के लिए टाली जा रही है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इसे क्रिसमस पर रिलीज किया जा सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि अल्लू अर्जुन की फिल्म की शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है, जिसके चलते फिल्म की रिलीज डेट को आगे खिसकाया जा सकता है। हालांकि फिल्म पुष्पा 2 के मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। नंबर 11, स्वरा भास्कर फूड ब्लॉगर नलिनी उजागर के पोस्ट को देखकर इतना भड़क गई कि विवादित बयान ही दे दिया है। स्वरा इस ट्वीट को पढ़ते ही इतनी भड़क गई कि विवादित जवाब देते हुए स्वरा ने ट्विटर पर लिखा, सच कहूं तो मुझे शाकाहारी लोगों की एक बात पल्ले नहीं पड़ती। आप लोगों की सारी डाइट गाय के बछड़ों को उनकी माँ के दूध से दूर करके गायों को जबरदस्ती गर्भवती कराकर फिर उन्हें बच्चों से अलग करने और दूध चुराने से बनता है। आप जड़ वाली सब्जी खाते हैं, इसमें तो पूरे पौधे की हत्या ही होती है। जरा शांति बरतिए, अब बकरी ईद है तो सिर्फ इसलिए ऐसी बातें मत कीजिए। स्वरा भास्कर के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। नंबर 12, साउथ सुपरस्टार राम चरण और उपासना कमेनेनी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल हैं, जिनकी एक बेटी क्लेन क्वारा है। कपल अपनी बेटी की सेफ्टी और प्राइवेसी को लेकर काफी सजग रहता है। अब तक उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा रिवील नहीं किया था। हालांकि फादर्स डे पर उनकी बेटी की पहली झलक सामने आई है। फोटो काफी वायरल हो रही है, जिसमें एक्टर को अपनी बच्ची को गोद में लिए हुए देखा जा सकता है। इस दौरान वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। नंबर 13, बॉर्डर के सिक्वल से पहले सनी देओल अपनी एक और मूवी की शूटिंग शुरू करेंगे। सनी देओल की इस मूवी का नाम है सूर्या, जो साल 2018 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म जोसेफ का रिमेक है। एक्टर ने साल 2022 में फिल्म सूर्या का काम शुरू किया था, लेकिन काम खत्म नहीं हो पाया था। अब इस फिल्म का काम एक बार फिर से शुरू होने वाला है। कहा जा रहा है कि सनी देओल फिर से फिल्म सूर्या की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। नंबर 14, मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। कपल ने 4 साल के रिश्ते को आपसी सहमति से खत्म किया है। अर्जुन कपूर संग सब खत्म होने के बाद भी मलाइका के हर दिन पोस्ट खूब वायरल हो रहे हैं। एक्ट्रेस का लेटेस्ट पोस्ट जो आया है, उसमें वो किसी स्पेशल पर्सन की बात कर रही हैं, और अब उनके इस पोस्ट का कनेक्शन अर्जुन कपूर से ही निकाला जा रहा है। नंबर 15, पॉपुलर डायरेक्टर शुजीत सरकार ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों को बनाया है। शुजीत सरकार अभिषेक बच्चन के साथ एक फिल्म अब बना रहे हैं। फादर्स डे के मौके पर शुजीत सरकार ने अपनी इस फिल्म की रिलीज डेट बता दी है। हालांकि अभिषेक बच्चन की इस फिल्म के टाइटल का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। फिल्म को लेकर के की गई पोस्ट से पता चल रहा है कि पिता और बेटी के रिश्ते पर ये फिल्म होने वाली है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।